भिक्षा घालिए, भिक्षा घालिए माई, भिक्षा घालिए। हे भाई गोपीचंद, शायद तू आज ये भी भूल गया कि ये तेरी जो सामने खड़ी है तेरी माई नहीं, तेरी इकलौती बहन चंद्रावल है। और मैं ये क्या देख रही हूँ भाई, कौन सी कमी बनगी जो आज तूने ये साधु का भेष धारण कर लिया। माता के कहने पर मैंने जोग लिया है, माता शरीर को अमर कराना चाहती है, माता का आदेश मेरे लिए परमात्मा का, उस भगवान का आदेश है। अपनी बात कह दे, क्या कहना चाहती है। भजन करूं मैं बन योगी ता
साधु बनने का आदेश दे सकती है। हे बहन चंद्रावल, कहिएगा भाई। माता ने आदेश किया था कि जिस उम्र में तू है इसी उम्र में तेरा पिता पद्मसेन हमें छोड़ करके चला गया था। तेरे सोने जैसी काया है, इस काया को अमर कराना चाहती हूँ बेटे, कभी भी तुझे काल ना खाए। माता का आदेश है बहना मेरे लिए, मैं माता के आदेश का पालन सुनूंगा। मेरी बात सुनी हो या ना, लेकिन लास्ट कली में कवि ने बिल्कुल तोड़ की बात लिखी है साथियों। एक एक बोल कवि ने दिल से लिखा है लोगों, अंतिम कली बिल्कुल निचोड़ के धर दी। और क्या बताऊं, और भाई गोपीचंद मैं एक बात पूछना चाहूंगी, ये तू स्वयं जानता है कि अभी घर में बारे कन्ना बिल्कुल कवारी हैं, तेरे बिना उनकी कोर धीर बांधेगा मेरे भाई। और तू ये भी जानता है कि एक बहन का भाई के सिवा कोई नहीं होता। अरे वो बाट लगाती है जब अपने बेटी बेटा बिहाती है कि आज मेरा भाई भाती बन के आएगा और मुझे बात पहनाएगा। लेकिन मेरे भाई आज तूने कुछ नहीं सोचा। हे चंद्रावल, कहिएगा। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से,
मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, और हर हाल में होकर रहता है मेरी बहना किसी न किसी बहाने से। वो जो परमात्मा ने लेख लिख दिए हैं उनको कोई मेटने वाला इस दुनिया के अंदर कोई है नहीं। अपनी बात कह दे सुनेगा धारे ले बहन लाडली हर तेरा ध्यान करेगा। प्रभु